बनारस में मरेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बनारस तो ऐसे आए काफी बार, लेकिन देव दीपावली का एक्सपीरियंस एकदम ही डिफरेंट है। प्रयागराज में भी अटेंड करिए। ए राजा हमके बनारस घुमा दा। बोल ए राजा। हर हर महादेव। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक ऑनलाइन वीडियो में। और फिलहाल इस टाइम हम यहाँ पाए हैं बनारस में, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 7 नवंबर है, यहाँ पे दीपोत्सव बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है, देव दीपावली जिसको कहते हैं। तो प्रयागराज से तो हम निकल लिए थे सुबह 9 बजे और यहाँ पहुँच गए थे 12 बजे, यहाँ पे दोपहर के पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को होटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो होटल हम लोगों को मिल रहा था ना, बहुत ही महंगे मिल रहे थे। तो कैसे भी करके हमने एक होटल ले लिया। और आज हम लोग प्रयागराज से 4 लोग आए हैं। हम आए हैं, ऋषि भाई आए हैं, सौरभ भैया के छोटे भाई, और यहाँ पे शिवम है। नमस्कार दोस्तों। सौरभ भैया जो है अभी रूम में है, तो अपना वो जो है सेटअप वटअप अभी कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। भाई हम लोग बहुत दूर से सफर करके आए हैं, 150 किलोमीटर लगभग पड़ गया है। हाँ। अब वीडियो अच्छा लगे क्योंकि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हल्के हल्के मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। भाई का तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए फिर भी निकल आए हैं। क्या करें, अब कंटेंट हम लोगों को मिल गया था, हम कहा चलो बनारस का जो देव दीपावली होता है आपको दिखाया जाएगा। और हम लोग का ये रूम है, इधर सौरभ भैया है, तो देख सकते हैं हम लोग का रूम कैसा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत सस्ते मिल गया। हर हर महादेव। आप सभी कितने का मिला है सर भैया, कुछ बताएंगे कितने का हम लोगों का रूम मिल गया है? आप लोग गैस करो कितने का होगा। कितने का आप लोग? 4-5 सेकंड का टाइम देते हैं, गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। सब गलत बताए। 1000 का भी नहीं है भाई, 800 का भी नहीं है, 600 का भाई। 4 लोग रुके हुए, देख सकते हैं 2 बेड लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने 2-3 होटल हमने पता भी किया, तो पर होटल का जो रेट था 4000-5000, जो कि 2% के लिए था। अभी भाई आपको होटल का लोकेशन दिखाएंगे, बाहर से होटल लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ बोलेंगे कि भाई होटल है। लड़कों को क्या चाहिए, लड़कों को क्या चाहिए, ऐसी बात, रहने के लिए सुविधा मिल जाए, पंखा मिल जाए, 2 बिस्तर मिल जाए, और क्या, बढ़िया मार्बल टाइल्स, साफ सफा रूम, बाथरूम भी एकदम एक नंबर है, एक नंबर। फैमिली के साथ भी रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ फिलहाल अभी हम लोग तो रेडी हो चुके हैं, तो अब निकलना है हम लोग को घाट के लिए, निकल रहे हैं अस्सी घाट के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे हमारे कुछ ब्लॉगर साथी जो कि बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, तो उनसे भी मिलना है, मुलाकात होगी, इंतजार कर रहे हैं हमारा। एक चीज सुनाना चाहूंगा, बताइए। ए राजा हमके बनारस घुमा दा। बोल ए राजा हमके बनारस घुमाएगा। हाँ, इसका जो लोकेशन है देख सकते हैं होटल कैसा है। और यहाँ पे आदर्श हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे ओम साई गेस्ट हाउस है, तो उसी के अंदर हम लोग अभी रुके हुए थे। तो सामने आप मोटर वोटर काम होता है, लेकिन अंकल जी से बात किया, हम लोगों को रुकने का व्यवस्था करा दिए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं बनारस घाट के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग शिवाला घाट पे आ सकते हैं, और मेरे सामने का नज़ारा देख सकते हो आप, कितना प्यारा है बनारस। जैसे अभी शाम होगा ना, तो यहाँ पे और भी जो लाइटिंग वोटिंग होगी, लेजर लाइट, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो पूरा तक बने रहना आप जरूर। सौरभ भैया बताइए कैसा लग रहा है अभी माहौल, अभी जैसे कि अभी तैयारी अभी हो रही है दीपदान की। तो भारत ने बैटिंग स्टार्ट कर दी है, अभी 5 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग इस टाइम पे कौन से घाट में, केदार घाट था, केदार घाट, हाँ पीछे केदार घाट। भाई से पूछो बताएगा। थैंक यू सबको इतना अच्छा बंदोबस्त करने के लिए। फिलहाल हमारे करण भैया मिल चुके हैं, तो भैया आप बताइए कैसा लग रहा है आपको। भाई बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है, पहली बार हम भी आए यहाँ देव दीपावली के लिए। बनारस तो ऐसे आए काफी बार, लेकिन देव दीपावली का एक्सपीरियंस एकदम ही डिफरेंट है। प्रयागराज में भी अटेंड करिए, वहाँ भी बढ़िया होती है, बट यहाँ का जो इतने सारे घाट है ना, एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही बढ़िया जा रहा है। फिलहाल जैसे सभी शाम होगा ना, तो यहाँ पे जैसे कहते हैं 4 चांद लग जाएंगे, तो इसी तरह का भी माहौल यहाँ पे बनने वाले हैं। क्या नाम? रवि। रवि नाम है, और इनका भी इंस्टाग्राम आईडी है, क्या आईडी? बनारसी बाइट। बनारसी बाइट। और भैया का नाम आकाश है, इनका बनारसी भवकाल के नाम से चलता है इनका इंस्टाग्राम, जो कि बहुत ही 188,000 हो गए ना, तो इनके फॉलोवर्स इतने हो गए हैं। तो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बनारस में आप रहते हैं, तो ये देव दीपावली क्यों मनाया जा रहा है, थोड़ा बताइए हमारे।
देव दीपावली का सीन ही है ना हमारे यहाँ कि एक असुर थे, उनका नाम हमको पूरी तरह से याद नहीं है। तो ये हुआ था कि काफ़ी उन्होंने देवों को परेशान कर रखा था, तो सारे देव मिल के गए महादेव के पास। महादेव को ये बोला कि ये हैं, ये काफ़ी परेशान कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा मुक्ति दिलाइए। तो महादेव ने उनसे सारे देवों को मुक्ति दिलाई, वध किया या कुछ भी किया, उनसे मुक्ति दिलाई। और वो मुक्ति दिलाने के बाद सारे देव जो है महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए आए बनारस में। और जब वो बनारस आए तो उस दिन उन्होंने मिलकर दिवाली मनाई। अच्छा, इसलिए बनारस में यहाँ पर देवों की दीपावली, देव दीपावली मनाई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि साउथ लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। हाँ, साउथ इंडियंस की मान्यता बहुत है। साउथ इंडियंस में ये माना जाता है ना कि साउथ इंडियंस के लिए ये माना जाता है, आपने काफ़ी मूवीज में भी देखे होंगे कि बनारस का काफ़ी नाम है। वो तो है, ये मानते हैं कि आप बनारस में मरेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कुछ लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मतलब दंड माफ़ कराने, कुछ लोग क्षमा मांगने आते हैं, कुछ लोग मतलब आपने आखिरी समय में आते हैं, वैसा है। तो साउथ इंडियंस के लिए तो काफ़ी महत्व है भाई इस जगह का। फिलहाल लेजर लाइट हम लोग को देख पाएंगे कि नहीं? लेजर लाइट अगर आपको देखनी है भैया, तो वो एक्चुअली क्या है ना कि वो 3D एनिमेशन जो वो भी चल रहा है ना, तो वो भी चल रहा है। 3D देखनी है तो अगर लोग अलाउ कर देंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा और पुलिस खड़ी कर दी गई। तो नाव से हम लोग देख नाव से देख सकेंगे। हाँ, नाव का चार्ज भी बहुत इस समय ज़्यादा होगा। नाव का तो भाई अब ये है कि कमाने का टाइम है, इनका कुछ बोल नहीं सकते। हाँ वो तो भाई, अगर वही है कि कुछ ना कुछ तो करके जाना ही है। तो बाकी ऐसे काफ़ी लोग हम लोग मिले हैं जो प्रयागराज के हैं, काफ़ी लोग आए हैं। करण भैया भी आपको मिला दिया है। शिवा की जय। अभी हम लोग उधर से पूरा कवर करते हुए आए हैं और इधर भी बहुत सारे घाट हैं। सौरभ भैया बताइए यहाँ पे टोटल कितने घाट बने हैं यहाँ पे? वैसे 80 घाट नाम है, तो मेरे ख्याल से वैसे 84 घाट है शायद जहाँ तक। 84 घाट, आई एम नॉट कन्फर्म, 80 घाट है, 80 घाट है जहाँ तक है, 84 घाट है। 5 बज गए हैं शाम के, सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, लाइटिंग दिखने लगे ना। अभी तक तो हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं। अभी जैसे दीप उप जलेंगे ना, तो जो दीप का जो रोशनी होगी, जो भी वहाँ पे बनाएंगे, सनसेट होने लगा थोड़ी थोड़ी लाइटिंग दिखने लगी। घूमने का प्लान है ये भैया पे डिपेंड करता है। कुछ शब्द ही नहीं है, मतलब 600 रुपए पर पर्सन का। भाई सामने क्या नाव जा रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा जो है खूबसूरत पूरा सजा हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग उधर जाना चाहते थे क्योंकि उधर बहुत ही अच्छे अच्छे जो है डेकोरेशन हुए हैं, लेकिन उधर जाने नहीं दे रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। घाट के उस पार भी देख सकते हैं कितना अच्छा वहाँ पे जो है लाइटिंग वोटिंग लगा है। दीप भी बहुत ज़्यादा जो है जल चुके हैं। भैया आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, कुछ बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को? बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट जलती जा रही है उस तरीके से और अच्छा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और अंधेरा होने दीजिए फिर देखिए। अंधेरा होगा तो और भी अच्छा लगेगा। नैनों की घाट ले जा। अब यहाँ पे लग रहा है कि हाँ देव दीपावली यहाँ मनाई जा रही है, क्योंकि शाम हो गया है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे जो है दीप यहाँ पे जल चुके हैं। बनारस में बहुत ज़्यादा फॉरेनर आए हैं क्यों विदेशी लोग।
फिलहाल अभी हम लोग घूमते घूमते शिवाला घाट के पास आ गए हैं और बगली में यहाँ पे जो है चेस सिंह घाट है, लेजर लाइट शो अभी होने वाला है, तो बाकी यहीं से देखने को अच्छा मिल जाएगा साइड से। लेकिन जो लोग बोट पे है ना तो उनको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसा भी होगा हम साइड से ही आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लेजर लाइट समाप्त हो गया है और टाइमिंग क्या थी इसकी? आधा घंटा बस चला है, बस ना 7:30 में स्टार्ट हुआ था, 15 मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट चला है, उसके बाद बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे मेन मैटर क्या था कि सामने से देखने का मन था, सामने से हम लोग देखे वो पॉसिबल था, रास्ता बंद कर दिया चेतघाट जाने का, तो यहाँ से साइड से थोड़ा बहुत देखा है। फिलहाल आपने तो देखा हुआ, कैसा लगा आपको? हाँ अभी सब पोपट हो गया ना, पोपट यहाँ सबका हो गया, यहाँ देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, फिलहाल बहुत ही ज्यादा भीड़ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग का पोपट हुआ इसलिए हम खुश हैं। चलिए फिर भी क्या करें, हम पैसे का खेल बाबू भैया, पैसे का खेल भाई, बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है, फिलहाल निकलने को बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो फिलहाल बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं, सौरभ भैया और उसके भाई और इधर शिवम भाई, इधर हम लोग रुके हुए हैं, तो खाना खा करके फिर आपसे आगे मिलते हैं। खाना कैसा है? लाजवाब, लाजवाब, एक नंबर है सब्जी। चलिए अमृत अमृत है। तो फिलहाल दोस्तों अभी खाना पीना खा करके अभी हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं, और रूम पे आने के बाद देखिए हम लोग यहाँ पे चुस्की ले रहे हैं चाय की, और साथ में कोल्ड ड्रिंक की भी चुस्की, वहाँ पे देखिए वहाँ पे ठंडा आ गया है, ठंडा गरम यहाँ पे ले रहे हैं। बताओ ट्रिप कैसा रहा सौरभ भैया, बताइए। जबरदस्त, और भीड़ में क्या आते समय क्या हम लोग की भीड़ तगड़ी वाली मिली है? ऐसी भीड़ थी कि भाई अब दोबारा ये पाटा भी आप जो देख रहे हैं ये अगले दिन का है। सुबह बनारस से हम अपने घर के लिए आ गए थे, वहाँ 9 बजे से निकल गए थे सुबह, और यहाँ 1 बजे हम अपने प्रयागराज आ गए थे। तो आते ही हम शिवम के रूम पे आए थे, तो आते ही तो अभी तक देखे सो ही रहा है, तो मैंने सोचा यार कम से कम चलो वीडियो एडिट करके अपलोड करके आपको दिखाया जाए। तो फिलहाल आपको वीडियो देख करके कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बाय बाय।